क्या हुआ? लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत चुकी इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा। भैया, मेरे ख्याल से इस बारे में अपनी बात हो चुकी है। हाँ वकील साहब, आज प्रेम आ रहा है, वही बात को बार बार दोहराकर मूड ऑफ मत कीजिए। आप लोग कृपा करके हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, प्लीज। तुमसे अब कहने के लिए मेरे पास और कुछ रहा भी नहीं है ममता, बस गम है तो सिर्फ इस बात का कि आज हम रामकिशन जी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। और ये सब किसके कहने पर जीजी? इन तीन तितलियों के? अरे जिनके अपने घर कभी नहीं बस पाए, वो हमें गृहस्थी चलाना क्या सिखाएंगी? ये तमाशा देखने वाली है जीजी, इस घर का खेल खत्म कर किसी और घर में जाएंगी पर्दा गिराने। ममता, मैं एक वकील हूँ, रोज देखता हूँ कोर्ट में परिवारों को झगड़ते हुए, रिश्ते टूटते हुए। इतना कह सकता हूँ, अपनी परिवार माला को तोड़कर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया है, कोई खुश नहीं रह पाया। यही देख लो, आज तुम्हारा प्रेम तुमसे मिलने के बजाय एयरपोर्ट से सीधे विवेक से मिलने गया है। ये मुमकिन नहीं है प्रेम। क्यों नहीं विवेक? बेटे, हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, रामकिशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घेरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटी ये खुशी बांटनी ही है एक बार प्रेम के साथ। चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए। प्रीतम जी, मैं आपके और प्रेम बाबू की जज्बात समझता हूँ। विवेक बाबू और साधना परिवार में लौट जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होगी, मगर विवेक बाबू की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। प्रीतम जी, प्रेम बाबू, विवेक बाबू अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। रामकिशन जी को, सारे कारोबार को आपकी जरूरत है। मौसी जी, ये रामकिशन जी के संस्कार ही तो हैं, जिसकी बुनियाद पर देखिए दो भाई आज एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हैं। तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं प्रेम भैया, एक ही दिल धड़कता है तीनों के सीनों में। जानते हैं, आज पहली बार मैंने आप दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा है। साधना, जिससे हम झगड़ते हैं प्यार भी तो सबसे ज्यादा उसी को करते हैं। मान जाओ प्रेम, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लौट जाओ। लीजिए, छोटे साहब भी आ गए। हे प्रेम भैया। विनोद कैसा है तू? ए वन भैया, हम चाचा बनने वाले हैं, आप बड़े चाचा
और हम छोटे चाचा। और लीजिए भाभी हलवाई गली के रसगुल्ले। सबसे पहले अंकल को दीजिए, खास इनके लिए मंगवाए हैं। नहीं नहीं आज हम नहीं खाएंगे। क्यों? बस मन नहीं है। अंकल एक भी नहीं? अच्छा ठीक है आधा खा लेते हैं। लीजिए प्रेम भैया, यही क्या कम है, दूर रह के भी हम साथ साथ हैं। तू प्रेम से कुछ मत कहना मोमो, उससे हम बात करेंगे। That's right, मोमो, you leave him to us। लगता है आ गया। आपने मुझे बुलाया आंटी? हाँ बेटा, अरे अंदर तो आओ, आओ। हेलो प्रेम बेटा, कम इन, आओ बैठो बैठो। देख प्रेम, तेरी माँ ने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, सब तेरी और विनोद की भलाई के लिए तो किया है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पे लगा देती है, इसलिए तू अपनी माँ से नाराज मत होना प्रेम। मैं तो कहती हूँ मुमु ने ऐसा किया ही क्या है। ये देख प्रेम, जब से पता चला है कि साधना खुशखबरी देने वाली है, हम तो खुशियाँ बांटने में लगी है। कल क्लब की सारी लेडीज को हम ये साड़ियाँ बांट रहे हैं, और जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं, उन्हें हम ये चांदी का प्रेजेंट दे रहे हैं, और क्या चाहिए। प्रेम इतना तो कोई सगी माँ भी ना करे। मैं चलूं। प्रेम सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। प्रेम पहले सब यहाँ कुछ नहीं है माँ, ना मैं ना तुम। देखो प्रेम, विवेक भैया ने खत में क्या लिखा है। अनवर, प्रेम आज मैनेजिंग डायरेक्टर बना है, आज सारे दिन उसके साथ रहना, उसके पास रहना। रुपयों पैसों में उसने रिश्तों को कभी नहीं तोला है, उसकी सरलता को हमने हमेशा उसकी कमजोरी समझा है। दरअसल यही उसकी शक्ति है, उसे बहुत प्यार, तुम्हारा विवेक है। बेटा एक बात पूछूं, जब बड़े भाई का प्यार, बाबूजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते बेटा, यहां क्यों? ये बड़े भैया का अधिकार है खान साहब, जब भी वे आए जिस दिन भी, उन्हें सब वैसा का वैसा मिलेगा। ओहो मुमु, तू बिना वजह घबरा रही है, प्रेम को सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। डोंट वरी एट ऑल। यस डार्लिंग, वैसे जो हमने चाहा वो तो हो गया, प्रेम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तू तो उसके खाने की मनपसंद चीजें बना और अपने हाथों से उसे खिला। हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है। अच्छा भाईजान, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेना। जी भाईजान। मुंह धोकर आ जा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं मां, मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू मां, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अब
अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम? ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कुसूर तो मेरा ही है ना, कुसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ, अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया, विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हमें से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई? याद करो माँ, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया? संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं? जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है माँ? सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता माँ, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम मैं शादी नहीं करूंगा। प्रेम, प्रेम, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को मां का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था, मैंने प्रीति को यह पहले ही कह दिया था। रुकोगे नहीं? तुम अगर कहते भी तो भी मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। बैठो। चाहे बंधन में बंधे ना बंधे, जिस बात का रिश्ता तो दिल से है ना? हे 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 हे।
साधना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। एवरीथिंग इज फाइन बेटी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है, संभल के संभल के। अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। बैठो बैठो। देखो अब्बू जान आपके लिए क्या भेजे हैं, छोटे से बाल गोपाल। कहा है कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। थैंक यू भाईजान। हाँ। लाओ बेटा। प्रीति थैंक तुम यहाँ क्यों रुकती हो, यहाँ सब लोग तो है ना। भाभी मैं सर से ऑफिशियल छुट्टी लेके आई हूँ, आपकी डिलीवरी तक यही रहूंगी। भाभी चाय। डॉक्टर साहब, प्रीति अपना सारा काम छोड़कर साधना के पास आई है और सपना अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही है, पर ये एक नहीं तीन बेटियां हैं। डॉक्टर अनवर, फैक्ट्री के इनॉग्रेशन होने तक विनोद की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, फिर उसे भी वापस शहर भेज दूंगा। विनोद सपना के साथ कैसे हंसते हंसते वक्त बीत गया, दादी माँ कुछ पता ही नहीं चला। वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है बेटा, हर वक्त किसी ना किसी का इम्तिहान लेता ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जोशी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम आखिर रुक कैसे गया? तकनीकी प्रॉब्लम्स तो पहले भी आती थी। सर पहले आनंद बाबू संभाल लेते थे। मैं ये सब कई बार सुन चुका हूँ, आप जल्द से जल्द एक अच्छे से अच्छा इंजीनियर अपॉइंट कीजिए, वरना इस तरह तो हम बैंक के लोन्स तक नहीं चुका पाएंगे। चाहिए। हेलो, मैं आता हूं। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बुखार तो अभी भी काफी है अनुराग बाबू। ज्योति जी बता रही थी कि ये दोनों काफी दिनों से ठीक से खा पी भी नहीं रहे, खेलना कूदना भी कम कर दिया। जी। खैर, आप ये दवाइयां जारी रखिए, कल सुबह फिर खबर करिए। आइए अनुराग बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग बाबू, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बच्चे फूलों के समान कोमल होते हैं, अगर उन्हें घर में प्यार का वातावरण न मिले तो वे मुरझाने लगते हैं और यह अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब, इन दिनों मैं अपने काम की परेशानी में ऐसा उलझा हूं, इन्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा हूं, कई बार इन पे छुंझला जाता हूं। कल तो आपने उन पर हाथ भी उठाया। विजिट किए बैठे थे, आनंद और संगीता के पास जाएंगे। तो आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आपसी मनमुटाव में अपने घर की सुख शांति मत खोइए अनुराग बाबू, वरना मैं क्या, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। साहब जी, आनंद बाबू और छोटी बहू रानी जी आई हैं, राधिका बिटिया के साथ। बहुत शैतान है। भैया, भैया राजू बबलू की तबीयत इतनी खराब होगी और आपने हमें खबर नहीं की। जैसे ही भाभी का फोन आया हम तो फौरन चल दिए। ये!
हमें इतना फराया कर दिया भैया। मुझे माफ कर देना संगीता, आनंद मुझे माफ कर दो। ये अब क्या कह रहे हैं अनुराग बाबू? स्वार्थ में मैं सचमुच अंधा हो गया था अंकल। बिजनेस में सफलता पे सफलता मिली जा रही थी, समझ बैठा कि सब मेरी वजह से है। पर आंटी, आनंद के चले जाने के बाद मुझे यह पता लगा कि यह सफलता मेरी अकेले की नहीं, हमारी जोड़ी की है। जब से आनंद घर से गया है, बिना कुछ लिए बिना कुछ मांगे, मेरे मन को कभी चैन नहीं मिल पाया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन आज हम फिर एक हो गए हैं, सब साथ साथ रहेंगे। ममता, आज कितनी खुशी का दिन है, बेटी का घर फिर बस गया। मम्मी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। विवेक भैया को कहिए कि वे वापस आ जाए। मम्मी, ये विवेक भैया का ही विश्वास था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। जिस दिन हम बैंगलोर जा रहे थे, मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा था, संगीता मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे दुख मेरे। बहुत बड़ा पाप हो गया भाई, बहुत बड़ा पाप हो गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा ममता, देखो। ना ममता, तुम मेरे लिए आज भी वही ममता जिसने हमारे बच्चों को इतनी नेक परवरिश दी, उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। आओ ममता, रामपुर चलें, हम दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ जी जी, इस वक्त साधना को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। सो एवरीथिंग नॉर्मल डॉक्टर? यस, नथिंग टू वरी। बेटा, कोई घबराने की बात तो नहीं? नहीं नहीं दादी माँ, साधना भाभी बिल्कुल ठीक है। राव साहब, आप मशीन्स की फाइनल टेस्टिंग शुरू कीजिए, विनोद और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी, थैंक यू। भैया आ गए। वे बल्ले 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 बल्ले, भैया मुबारक हो, आप पापा बन गए। भैया लड़का हुआ है। सच? ओ बॉय, बहुत बहुत बधाई हो विवेक भैया। अनुराग बाबू, आप? बातें बाद में होगी भैया। संगीता, पहले भैया को अंदर तो ले जाओ। चलिए भैया, चलो। बहू और पोते को घर ले जाने आई हूं। भाभी, इससे नहीं ले जाऊंगी। चला आया, अपनी मां से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है। सावधान, खानदान के चश्मों चिराग तशरीफ ला रहे हैं। लाइए पापा, मुन्ने को हमारी गोद में। नहीं नहीं नहीं, आफ्टर ऑल हम बुआ हैं। नहीं भाई, पहले मुन्ने के पापा की बारी है। सबसे पहले पापा की मम्मी की बारी है, लाइए। ओहो मौसी, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, दादी बनने की खुशी एक तरफ। थैंक यू।
अम्मी जान मुन्ने से मिलने के लिए हम सब लाइन में हैं। Excuse me. Hello. सबसे पहले मैं मम्मी। हाँ हाँ बिल्कुल। चाचा के पहले चाची। ये लो संभाल। चलो मिल के प्यार करेंगे। मम्मी मुन्ने को प्यार करने का हक तो बड़े चाचा चाची का भी है। हाँ प्रेम भैया। भैया एक दिन मेरी खातिर माँ के सामने आपने एक कसम ली थी, आज मैं जाती हूँ, मेरी खातिर आप एक कसम और लें।